हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लेडर। आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नोटेशंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को, जो एक समीकरण होता है, उसको अगर कंप्यूटर में सॉल्व करना है तो उसके को लिखने के कई नोटेशंस होते हैं, कई प्रकार होते हैं। सिंपली जब हमने कोई इक्वेशन लिखा, सपोज सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहां पर ये एक एक्सप्रेशन है, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। और किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में ऑपरेंड और ऑपरेटर, ये दो ही चीजें होती हैं। ऑपरेंड मतलब जैसे ये ए बी जो वैल्यूज होती हैं, और ऑपरेटर मतलब सिंबल्स जिनके थ्रू आप उन ऑपरेंड के बीच किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटर में इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को लिखने के मेजरली तीन तरीके होते हैं जिन्हें हम नोटेशन कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन किन प्रकार के नोटेशन से में लिखा जाता है। सबसे पहला जो टाइप है ये कहलाता है इनफिक्स नोटेशन। दूसरा जो टाइप है वो कहलाता है प्रीफिक्स नोटेशन, और तीसरा जो टाइप है वो कहलाता है पोस्टफिक्स नोटेशन। तो किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को लिखने के तीन तरीके हैं। तो टाइप्स ऑफ नोटेशन तीन हो गए, इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन और पोस्टफिक्स नोटेशन। किसी भी नोटेशन में आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को जब लिखते हैं और उसे जब आप सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते समय किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, हमने बचपन में भी मैथ्स पढ़ा है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते समय हम ऑपरेटर प्रेसिडेंसी की को ध्यान में रखते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी अर्थात किस ऑपरेटर को पहले प्रायिकता देनी है, प्राथमिकता देनी है, और किस ऑपरेटर को बाद में या उसके बाद लोअर प्रायोरिटी देनी है। तो ये जो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी है ये तीन भागों में बांटा गया है, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। जो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंसी होती है वो होती है एक्सपोनेंट की। ये एक सिंबल यूज करते हैं हम जनरली एक्सपोनेंट के लिए, एक्सपोनेंट। फिर नेक्स्ट जो हाईएस्ट प्रेसिडेंसी होती है वो होती है डिवीजन की। जनरली डिवीजन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं कंप्यूटर में, एंड मल्टीप्लिकेशन की। इसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। और सबसे लोएस्ट जो प्रायोरिटी या प्राथमिकता हम लेते हैं वो है आपकी एडिशन, जिसके लिए ये सिंबल यूज होता है, और सब्ट्रैक्शन। इसे जानना क्यों जरूरी है? जैसे कि मैंने बोला अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो है ऑपरेंड और ऑपरेटर का कलेक्शन होता है, तो इसमें कई प्रकार के ऑपरेटर आ सकते हैं। जब कई प्रकार के ऑपरेटर आते हैं तो हमें इस प्रेसिडेंसी को ध्यान में रखना है कि जैसे कोई ब्रैकेट आ गया तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट में अगर एक्सपोनेंट भी है, डिविजन भी है, तो पहले एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, फिर डिविजन सॉल्व होगा, फिर आपका मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा। तो इन सारी प्रेसिडेंसीज को ध्यान में रखते हुए हम किसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को कंप्यूटर में सॉल्व करते हैं। और ये जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है ये तीन प्रकार के नोटेशन में लिखा जाता है, इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन और पोस्टफिक्स नोटेशन। जो इनफिक्स नोटेशन है, जनरली जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं जैसे सी इक्वल टू ए प्लस बी, जहां पर एक सीक्वेंस में ऑपरेटर और ऑपरेंड रहते हैं, ये सिंपल जो नोटेशन हम जनरली यूज करते हैं वो इनफिक्स नोटेशन कहलाता है। और हमारा जो कंप्यूटर है किसी भी इनफिक्स नोटेशन को जब वो इवेलुएट करता है, सॉल्व करता है, तो वो पहले उसे पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करता है और फिर उसे इवेलुएट करता है। तो हमें इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब हमें ये जानना है ये पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स नोटेशन होते क्या है। तो जब कोई दो ऑपरेंड के, माना एक स्टेटमेंट है सी बराबर ए प्लस बी, अगर सी बराबर ए प्लस बी लिखा है अर्थात ये इनफिक्स नोटेशन में लिखा है, और यही अगर ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर आ जाए अर्थात सी बराबर लिखा है प्लस ए बी, यहाँ प्लस एक ऑपरेटर है और ये प्लस ऑपरेटर दो ऑपरेंड है ए और बी के बीच परफॉर्म हो रहा है, तो अगर ये ऑपरेटर किसी ऑपरेंड के या उस
एक्सप्रेशन के सभी ऑपरेंड के पहले लिखा जाए तो ये प्रीफिक्स नोटेशन कहलाता है, और यही ऑपरेटर अगर ऑपरेंड के बाद लिखाता है तो ये पोस्टफिक्स नोटेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से जनरली जो हम यूज करते हैं वो इनफिक्स नोटेशन का यूज करते हैं, पर कंप्यूटर सॉल्व करने के लिए किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए उसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करता है और फिर उसे इवेलुएट करता है। तो किसी इनफिक्स नोटेशन को इवेलुएशन कंप्यूटर के थ्रू दो स्टेप के थ्रू होगा, पहला इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना और दूसरा पोस्टफिक्स को इवेलुएट करना। और इन दोनों ही प्रक्रिया में स्टैक का यूज होता है। स्टैक एक ऐसा टूल है जो यूज होता है, और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो यूज होता है, इसलिए इसे आप एप्लीकेशन ऑफ स्टैक के नाम से भी जानते हैं। और ये जो प्रीफिक्स नोटेशन है इसे आप पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं, और जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है इसे आप रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं। तो हमने ये नोटेशन को इसलिए देखा कि ये पॉलिश नोटेशन और रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या है। तो किसी एक्सप्रेशन को जब आपने प्रीफिक्स नोटेशन में लिखा तो वो हो गया पॉलिश नोटेशन, और अगर आपने इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में लिखा तो वो कहलाता है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। और ये जो नोटेशन है जिसको मैंने अभी बताया कि जिसमें स्टैक का यूज होता है वो है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ये इसमें स्टैक का यूज होता है इसलिए रिवर्स पॉलिश नोटेशन जो है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक भी कहलाता है। और किसी इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना और कन्वर्ट करके उसको इवेलुएट करना, इसके एल्गोरिथम्स है जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।